5 मई से खबरों से लेके सुर्खियों तक, लोगों की चर्चाओं से लेके तो चाय की टपरियों पे होने वाली बातचीत तक, एक ही चीज़ चल रही है, द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी के बारे में जाने उसके पहले हम जानेंगे कि केरला स्टोरी का इंदौर कनेक्शन क्या है, और वो कनेक्शन जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं, वो हैं सूर्यपाल सिंह। सूर्यपाल सिंह इस द केरला स्टोरी के राइटर हैं, और उनका क्या है इंदौर कनेक्शन वो खुद बताने वाले हैं। तो सूर्यपाल भाई, पहले तो आपका वेलकम है इंदौर टॉक के स्टूडियो ऑफिस में। बहुत धन्यवाद। काफी समय से आपकी विजिट पेंडिंग थी, मौका मिला था केरला स्टोरी के थ्रू, तो उसके बारे में बात करें। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपका इंदौर टॉक से क्या कनेक्शन है। जी, इंदौर टॉक से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। मतलब इंदौर टॉक की स्थापना जो आप लोगों ने की है, तो आपके साथ एक बंदा था सुनील जैन, मेरा काफी अच्छा मित्र। वो आज भी है हमारे बीच में है। तो वो मेरा सबसे पहला कनेक्शन था, क्योंकि जब मैं मेरा स्कूलिंग करके जब मैं इंदौर कॉलेज पढ़ने के लिए आया, तो मेरी ग्रेजुएशन बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बैचलर मैंने उसमें किया। तो फर्स्ट डे जब हम कॉलेज में आए थे, तब से मेरा जो फ्रेंड बना था वो सुनील था, और हमने डिसाइड किया, क्योंकि वो भी बाहर से आया था भोपाल से, और हमको तुरंत ही एक दो दिन में रूम ढूंढना था। तो उसने कहा कि यार भाई साथ में मिलके फ्लैट लेते हैं ना एक। तो मैंने ठीक है, हम 3-4 लोगों ने मिलके एक अपना फ्लैट दिया। तो फर्स्ट डे से हम रूममेट रहे, और फिर हमने पूरा कॉलेज की पढ़ाई साथ में की, एज ए रूममेट भी हम साथ में रहे। फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने मास्टर्स आगे नहीं करके खुद का प्रोडक्शन हाउस इंदौर में हमने डालने की सोची थी। तो सुनील, मैं और एक हमारा सीनियर तुषार था, हम तीनों ने मिलकर हमारा ऑचर्स करके एक वीडियो प्रोडक्शन हाउस डाला था इंदौर में, उस समय बाद में बंद हो गया। तो हमने कुछ एड एजेंसी के साथ टाइप करके और वीडियो प्रोडक्शंस किया करते थे। तो हमारे अच्छे अच्छे क्लाइंट उस समय हुए थे, टाटा नैनो, एयरटेल, डोकोमो, आर्सेनल मित्तल, रुचि सोया, नेशनल स्टील, ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स के साथ के हमने वीडियो प्रोडक्शंस वगैरह किए थे। तो ये हमारी शुरुआत पढ़ाई के साथ साथ, फिर काम में भी हम दोनों साथ में रहे। फिर किसी कारणवश साल भर बाद जो है वो प्रोडक्शन हाउस वर्क नहीं कर पाया, और सब अलग अलग चले गए। तो तुषार अपना दिल्ली चला गया, तो वो वहाँ पर स्कूप वगैरह में काम किया, और उसके बाद हाँ काफ़ी उन्होंने वहाँ अपना अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। सुनील जो था वो भोपाल कुछ समय के लिए शिफ्ट हुआ, और वहाँ उसने अपना खुद का इन्विजन पिक्चर्स करके एक प्रोडक्शन शुरू किया था। और उस समय मुझे बोल रहा था तू भी साथ में आ, पर मैंने सोचा यार भाई मैं, तुम सब अपने अपने रास्ते निकलो, मुझे भी थोड़ा मेरा राइटिंग में कहीं जाने दे आगे। तो फिर मैंने FTI जाने का सोचा, फिल्म इंस्टीट्यूट जाता हूँ, आगे वहीं पढ़ाई करूँगा। लेकिन उस समय 0 ईयर चल रहा था, एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, और पुरानी बैचेस को निकालना उनका ज़रूरी था FTI से। तो 2 साल 0 ईयर चल रहा था, वहाँ पर एडमिशन्स हो नहीं रहे थे। तो मैंने बोला इस खाली समय में क्या किया जाए, तो फिर मैंने MA हिंदी लिटरेचर कंटिन्यू कर लिया, ताकि मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा लिटरेचर का नॉलेज बढ़े। तो गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से मैंने MA हिंदी लिटरेचर किया, और फिर उसके बाद में FTI चला गया। और जब मैं FTI जाके फिर मेरा आगे का रास्ता कर रहा था, तब तक सुनील इंदौर आ चुका था, और इंदौर में फिर वो कुछ न्यूज एजेंसी वगैरह न्यूज चैनल्स में काम कर रहा था। उसके बाद फिर आप लोगों के साथ मिलके फिर इंदौर मिलके हम लोगों ने इंदौर टॉक की शुरुआत। तो इंदौर टॉक से मेरा मतलब लंबा रिश्ता है। तो बताने वाली बात यह है कि सूर्यपाल भाई इंदौर के EMRC के पास आउट हैं, वहीं पर उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री ली है, और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि EMRC आज हर जगह अपनी धूम मचा रहे हैं। ऑलमोस्ट मुंबई में तो कई चैनल्स में, कई फिल्म प्रोडक्शन हाउस में EMRC काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो ये एक ओवरऑल इंदौर से कनेक्शन था, और इंदौर टॉक से कनेक्शन था सूर्यपाल भाई के का। अब आगे अगर हम बात करना चाहें द केरला स्टोरी, जो इस समय टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द नेशन है, तो क्या है वो स्टोरी बिहाइंड द केरला स्टोरी, कैसे ये फिल्म आपको मिली जी, या कैसे आपने इसकी राइटिंग पे काम किया, और क्या वो थॉट प्रोसेस रही इस पूरी पिक्चर को लिखने की? देखिए, FTI तक की तो कहानी मैंने बता दी आपको कि मैं FTI चला गया था। FTI से मैंने अपनी डिग्री करने के बाद मैं मुंबई चला गया 2012 में। तो उस समय क्या था कि उस समय कुछ एकाध प्रोजेक्ट मुझे मिले जरूर थे, एक दार मोशन पिक्चर्स को मेरी हॉरर स्टोरी पसंद आई थी, और एक UT मोशन पिक्चर्स को मेरी कॉमेडी पसंद आई थी। वो खुद FTI आए थे उस समय हमारा इंटरव्यूज वगैरह लेने के लिए। लेकिन मैंने सिर्फ 2-1.5 साल क्राफ्ट सीखा था स्क्रिप्ट राइटिंग का, मैं परिपक्व नहीं हुआ था राइटिंग को लेकर, और श्योर नहीं था कि मैं अच्छे से उसको दे पाऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई थी। जो भी 1 साल में जितना हम पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते जो लिख पा रहे थे, बस वही था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को थोड़ा पकाना पड़ेगा, और चूंकि मुंबई में रहना है तो काम ज़रूरी है। तो मैंने TV चैनल ज्वाइन कर लिया था उस समय। तो मैं 4 साल करीबन मैंने
स्टार प्लस का यूथ चैनल चैनल वी जो है, मैं उसका राइटर हूँ, चैनल वी का राइटर हूँ। सुवरीन गूगल जो उसका टीवी सीरियल था तब से लेके तो बड़ी प्रोजेक्ट D3 और लास्ट आते आते स्विम टीम, उनका लास्ट शो था हमारा, वहाँ तक मैं उसके साथ रहा। गुमराह वगैरह, ये कन्फेशंस वगैरह नॉन फिक्शन शोज भी उसमें आया करते थे, तो वहाँ मैं उनका सब प्रमो राइटिंग में किया करता था उस समय वहाँ पे। फिर जब वो चैनल जो है वो शिफ्ट हो रहा था, कुछ उसमें चेंजेस आने वाले थे, तो हम लोग वहाँ से फिर अलग अलग जगह चले गए। मेरे काफ़ी लोग अलग अलग चैनल में ज्वाइन कर लिए, और मुझे भी था कि मैं भी शायद दूसरा चैनल स्विच कर जाऊँ, पर मुझे लगा कि चूंकि मैंने अब तक पक्की परिपक्व हो चुका था मैं लिखने के लिए, और मुझे लगा अब मुझे टीवी छोड़ के अपना फ्रीलांस राइटिंग शुरू कर देना चाहिए। तो फिर मैं 2015 में मैंने चैनल छोड़ा और फ्रीलांस राइटिंग शुरू करी। इसी बीच मुझे मेरा एक FTI का ही मेरा जूनियर था दिनेश यादव, उसने मुझे अप्रोच किया कि सर, बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और मुझे एक ऐसा रूटेड बंदा चाहिए जो गांव से बिलोंग करता हो और जिसको राजस्थानी आती हो और जो राइटिंग अच्छे से जानता है, बायोक्राफ्ट वगैरह इंस्टीट्यूट से पास आउट हो। तो उसको तीनों चीज़ मुझ में मिल रही थी, तो फिर मैंने उसके डायलॉग लिखे टर्टल मूवी नेशनल अवार्ड भी मिला था, और जयपुर जाके लिखे, जयपुर में ही था मैं, काफ़ी 6 महीने बिताया मैंने वहाँ पर। तो उस फिल्म को जो है 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, संजय मिश्रा जी उसमें लीड एक्टिंग में थे और OTT Zee5 पे वो अवेलेबल है। फिर उसी के बाद उसकी अगला सिक्वल आया बाह जिंदगी। ये जो टर्टल थी ये वाटर क्राइसिस पे थी राजस्थान के, और जो वाह जिंदगी है वो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट था, मोदी जी का जो मूवमेंट था उसको लेके एक रोमकॉम फिल्म थी। ओके तो वो जो थे उसके, फिर मैंने उसके भी डायलॉग लिखे, तो ये दो मेरी बैक टू बैक। फिर आता है केरला स्टोरी, तो उसके बाद क्या हुआ कि दो फिल्म हो गई थी, उसमें फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उस समय की बात है कि मेरे डायरेक्टर जो सुदीप्त सेंसर है वो भी वैसे ही राइटर ढूंढ रहे थे कि रूटेड हो, हिंदी स्ट्रांग हो जिसकी। तो मैंने MA हिंदी लिटरेचर किया था, तो मेरा लिटरेचर बड़ा स्ट्रांग था, क्योंकि वो एक अडाप्टेशन करवाना चाहते थे एक नॉवेल का, तो वो ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे दूसरा कि हिंदी बेल्ट का हो और इंस्टीट्यूट से भी हो। तो सारी चीज़ें उनको मेरे कॉम्बिनेशन मिली, फिर मैंने उनके साथ काम किया। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय का एक उपन्यास है अभिजान, उसका उन्होंने ऑफिशियल राइट्स लिए थे, तो उस पर एक फिल्म आ भी चुकी है 1962 में अभिजान नाम से, सत्यजीत रे ने उसे डायरेक्ट किए। okay. तो वो उसी के ऑफिशियल राइट उन्होंने लिए थे और वो उसी पे जो है फिल्म बना रहे हैं अभी भी। तो उसकी फिर मैंने राइटिंग की, और वो राइटिंग करते 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 फिर एक इंसिडेंट हुआ जब अफगानिस्तान में तालिबानियों की हुकूमत आ गई थी और अमेरिका वहाँ से जब चला गया था, तब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था एक माँ का कि मेरी बेटी वहाँ की जेल में बंद है और मेरी पोती भी वहाँ बंद है और मैं सरकार से गुहार करती हूँ कि उसे वापस लाया जाए। तो ये ट्रिगर कर गया मेरे डायरेक्टर को कि मैं जिस काम को 6-7 साल रिसर्च करके आया था, जिस पर मैंने इतना काम किया, रिसर्च किया या डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो मुद्दा अभी भी वही है। तो फिर उनको लगा कि यार अब ये फिल्म बनना चाहिए और लोगों तक जो है बड़े स्क्रीन पे आना चाहिए, बड़े ऑडियंस तक पहुँचे। तो फिर उन्होंने जो है मुझसे से बोला कि भाई ये फिल्म तो अपन कर ही रहे हैं, क्या तुम इस पर काम करना चाहोगे क्या? तो मैंने बोला सर मुझे पहले इसकी वो दिखाइए, ये ऑथेंटिसिटी कितनी है, कितना सच है इसके अंदर, जो सब लोग पूछते हैं कि सच है क्या इस फिल्म में, सबका क्वेश्चन ही वही है कि सच कितना है इसमें। तो मैंने वो देखने के लिए सारे फुटेज देखे, वीडियोज़ देखे, जितने आर्टिकल उन्होंने मुझे दिखाए वो सब कुछ, न्यूज़ रिपोर्ट से लेके सब कुछ। और फिर जब वो पर्सनली उन लड़कियों के और माँ बाप के मैंने इंटरव्यू सुने, तो मुझे बड़ा, क्योंकि वो भी रो ही रहे थे बताते भी, तो बड़े मुझे हृदय विदारक लगे कि यार ये दर्द है, पेन है उनका, और वो सब तक पहुँचना चाहिए और ये थमेगा नहीं जब तक सब लोगों को इसके बारे में सच पता नहीं चलेगा। तो फिर मैंने और मैं कहा कि अगर मैं नहीं करूँगा और कोई दूसरा कर लेगा तो हो सकता है वो इसके साथ न्याय न कर पाए, कुछ एक्सट्रीम अगर उसने लिख दिया तो बंदी हो जाएगी फिल्म या दंगे हो सकते, कुछ भी हो सकता है, और कम भी लिखेगा तो भी कुछ है। तो वो मेरे लिए एक मेरा चैलेंज था कि मुझे सधा हुआ लिखना है और ऐसा बैलेंस लिखना है कि अपना सारा जो है संदेश है वो भी चला जाए और कोई आहत भी ना हो उस चीज़ों से, और एक मजहब को और आतंकवाद को लोग डिफ्रेंशिएट करके देख सके अलग। तो फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और 2 साल के सर के साथ बैठ के राइटिंग का मेरा काम रहा, और उसके बाद 1 साल करीबन ये शूट पे चला गया। तो 3 साल लगभग इस प्रोजेक्ट, 3 साल का समय लगा द केरला स्टोरी को बनने में। और आज वो देख रहे हैं हम, जब से रिलीज हुई है, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द नेशन है वो मूवी। तो ऐसे में कई सवाल हमारे टीममेट्स के भी, हम लोगों ने अभी मूवी देखी है जी। तो सबके मन में अपने अपने सवाल आए। जैसे मेरा एक सवाल उसमें ये आया था कि जब मैं ये मूवी देख रहा था तो लोगों का वही, जैसे आपने बताया कि सबका क्वेश्चन यही है कि कितनी रियलिस्टिक है ये। लोगों को आजकल यही लगता है कि ये जितने भी सब्जेक्ट बन रहे हैं किसी से या तो मोटिवेटेड हैं या किसी के थ्रू स्पॉन्सर्ड हैं जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इस चीज़ को कैसे हम ट्रूली जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो आपके
पास भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए होंगे कि किसी ने बोला होगा स्पॉन्सर्ड है या किसी ने बोला मोटिवेटेड है, तो वो क्या लाइन आपकी रही ओवरऑल पूरे इस प्रोजेक्ट में? देखिए, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही ट्रेलर आया वैसे ही जो पीड़ित लड़कियां हैं, जो पीड़ित माँ बाप हैं, वो खुद ही न्यूज़ चैनल में आके अपने इंटरव्यूज़ दे रहे थे। इवन साउथ के चैनल में भी दे रहे थे कि मलयाली चैनल वगैरह में भी जहाँ जहाँ वो थे, और हिंदी मेन स्ट्रीम चैनल्स में भी आके अपने इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे थे। तो खुद ही वो सामने आ गए, खुद अपने आप को उन्होंने चेहरा रिवील, मतलब हम तो डर रहे थे कि उनका चेहरा ना दिखाया जाए, वो तो खुद अपना चेहरा रिवील कर रहे हैं सबके सामने और बोल रहे हैं कि हाँ मेरे साथ हुआ है, हाँ मेरे साथ ये घटना हुई और मेरे परिवार के साथ हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो जब खुद ही बयां कर रहे तो हम हमारे पास छुपाने के लिए कुछ बचा भी तो नहीं ना, हम मतलब तो ये द केरला स्टोरी ने वो एक वो स्पार्क क्रिएट कर दी किया है, जो भी विक्टिम थे इसके। और उन्होंने ये हमें इसके लिए थैंक्स भी कहा कि हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, हमें कोई ऐसा बैक सपोर्ट नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम बोलने जाएंगे और हमारी आवाज़ कोई दबा देगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन आपने हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया कि हम खुद आगे रह के बोल सकते और हम डरेंगे नहीं। अब तो जो कुछ पीड़ित लड़कियां हैं वो संस्थानों में रहती हैं, वहाँ पर आश्रमों में रहती है, तो वहाँ से चल के आई वो, और कल परसों की बात है, वो सारी लड़कियां मुंबई में आके हमारे टीम से मिली, प्रोड्यूसर से मिली, सारी लड़कियां आई और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने एक छोटी सी राशि भी उन्हें भेंट करी उनकी संस्था के लिए। तो ये सच लोग हैं वो जो सामने आए, झूठ छुपाने के लिए नहीं। फिर बाद में गए रिपोर्टर्स, गए न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स, गए जाके उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए और उन्होंने सब सब सच सामने रखा पब्लिक जनता के सामने। तो ऐसे ही सवाल अतुल के भी हैं और वैष्णवी के भी हैं, तो वैष्णवी तुम्हारा क्या सवाल है? सर एक्चुअली मेरे पास दो सवाल हैं और दोनों आपस में बहुत अलग हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है सर, जब एक छोटे शहर का व्यक्ति इतना आगे पहुंचता है, आप ऑस्कर जीत लो लेकिन जो एक सम्मान अपने शहर में वापस आके मिलता है वो उससे भी बड़ा होता है। तो अभी आपको वो वाला फीलिंग कैसा है कि अभी आप अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हो एक द केरला स्टोरी के बाद, तो अभी आपको कैसा अंदर से एक होता है ना सोने से पहले कि यस कर लिया, वो के वाली फीलिंग कैसी है? वो देखो होती है अमूमन जब आपको एक सडन इतना बड़ा लेवल पे कोई प्रसिद्धि मिलती है तो इंसान थोड़ा तो फुला समा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही, पता नहीं मैं सिर्फ संस्कार कहूँगा या गुरु कृपा कहूँगा, कि जितना जितना मैं ऊपर जाता रहा उससे पहले, जैसे बबूल का वृक्ष जो होता है ना, बबूल का पौधा आप लगाओगे ना तो कई सालों तक छोटा ही दिखता है, क्योंकि वो नीचे 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 जड़ कर रहा होता है, बहुत नीचे तक जड़ कर लेता है, फिर सडन वो एक बार में जब बड़ा होता है तो फिर वो ऊपर 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 जाता ही रहता है, और उसकी उसकी ग्रोथ, उस घास की ग्रोथ बहुत तेज़ी से ऊपर होती है। तो वो इतने दिन नीचे जड़ बना रहा होता है, तो सेम आप मुझे उससे कंपेयर कर सकते हैं कि मैं जितना ऊपर पहले नहीं गया उतना मैं नीचे गया, मैं रूटेड रहा रूटेड रहा रूटेड रहा, तो रूटेड होने की वजह से मुझमें वो अहम भाव आया ही नहीं अभी तक। तो मैं जैसा हूँ अभी हूँ, जैसा मैं वैसा मैं पहले ही था और अभी भी वही हूँ, और शायद मैं आगे भी ईश्वर मुझे ऐसा ही रखे तो अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, सारे सभी लोग जो है अलग नज़र से देखते हैं, अब मुझे सम्मान मिलता है हर जगह, मुझे जो है प्यार और सम्मान मिल रहा है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि बहुत कुछ चेंज आ गया, मुझे वैसा वो फील नहीं हुआ, मुझे लगा ठीक है जैसा था मैं वैसा ही, तुम कहाँ बदल गया चीज़, हाँ चीज़ भी है कि अब कुछ चीज़ मेरे क्रेडिट में जुड़ गई है, नाम में जुड़ गई है, लेकिन चीज़ें तो सब वही है। तो वो मेरे लिए एक वो रहा है, मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ मैं लोग मुझे अलग देश से उस नज़र से देख रहे होंगे या फिर मेरे में थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया होगा, पर वो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई भी फ़ोन करता है मैं उठा लेता हूँ, बात करता हूँ नम्रता से, अगर मेरे पास होता है अवेलेबल रहता हूँ तो, और मैं उनको जवाब भी सेटिस्फेक्ट्री देता हूँ किसी को। इसीलिए मुझे शायद पत्रकार मंडली जितनी भी है मुझसे बड़ी खुश रही, क्योंकि उन्होंने जब भी फ़ोन किया सर बाइट लेने आ जाओ, कहाँ हो मैंने यहाँ हूँ, तो आ जाए मैंने आ जाओ, तो किसी को भी निराश नहीं किया, मतलब भाई आप चाहते हो कुछ पूछना चाहते हो, आपको कोई उत्तर देने के लिए मैं जवाब दे ही हूँ, क्योंकि फिल्म मैंने लिखी है, मैं उसका फिल्म राइटिंग का एक राइटर्स में से एक हिस्सा रहा हूँ, तो आप मुझसे ही नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे, तो मैंने उनको सबको वो कहा है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा है। सर मेरा दूसरा सवाल जो फिल्म से रिलेटेड है, धर्म आतंकवाद सबसे अलग, मुझे ऐसा लगता है एज अ फीमेल कि कहीं ना कहीं ये फिल्म एक अवेयरनेस का भी काम करेगी आने वाले सालों में, तो मैं वही आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ, जो हो चुका विक्टिम्स हैं उन सब के अलावा आने वाले 5-10-15 सालों में किस तरीके से लोगों को अवेयर करेगी, और कैसे अभी आपके पास लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि इस फिल्म से हम इन सबसे बाहर निकल पाए हैं? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा विषय है। देखिए क्या था, मुझे हमारे पास भी जब आया था तो सिर्फ कंटेंट था, मतलब घटनाएं थी कि ऐसा हुआ है, अब हम ऐसा हुआ है वैसा एक वैसे दिखा सकते थे, है ना, एजीडी जो मेरे पास कहानी है वो कहानी में कर सकता था। लेकिन जैसे हमने कश्मीर फाइल में देखा कि वो घटना दिखा दी, लेकिन घटना के बाद क्या, हमें क्या करना है, तो ये मेरे पास भी क्वेश्चन मार्क था कि अगर मैं सिर्फ इसको उतना ही दिखा देता कि देखो केरल में ऐसा हो रहा है, तो
लोग देख के भी आ जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर एक नफरत से भी रहती कि अरे यार ये ऐसा करे, लेकिन हमें क्या करना है ये बड़ा वो था। तो हमने उसको रखा पॉइंट को कि चलो ठीक है जो केरल में हुआ, लेकिन ये स्टोरी आगे मध्य प्रदेश स्टोरी ना बने या दूसरे स्टेट की स्टोरी ना बने, तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए। तो हमने वो मैसेज डीपली डाला है उसके अंदर, और वो मैसेज ये था कि हमें हमारे कल्चर से हमारी संस्कृति से बिल्कुल जुड़े रहना है, क्योंकि आपको बरगलाने वाले लोग जो हैं वो वहीं टारगेट करते हैं, सॉफ्ट टारगेट उनका वही है कि अगर आपको आपके रूट से कहीं कच्चे हैं तो उनको बरगलाना बहुत आसान हो जाता है। आप वही देखना कि हमारी जो आप तो देख चुके आ चुके हो, तो हमारी जो क्रिश्चियन लड़की है जो हमारे करेक्टर की, उसको वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको कन्वर्ट करवाना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो रोज़ हर संडे प्रेयर में जा रही है या घर में जो उसको थोड़ा सा धार्मिक माहौल मिल रहा है, तो वो और वो जब उनके जीजस के बारे में कुछ बोलते हैं तो सुनना पसंद नहीं करती है, रोक देती है उनको कि ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो उसके रूट से कनेक्टेड है ना। वैसे हम सबको कह रहे हैं कि आप जिस भी धर्म को मानते हो या जिस भी समाज को मानते हो या जिस भी आप कम्युनिटी से आते हो, अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर एक रूटेड कल्चर है जो आप आपका है जो आपको जोड़े रखता है, तो आप उसको फॉलो करो, आप उसके साथ रहो और आप उसमें निष्ठा रखो। और सबसे बड़ी बात हमने कि परिवार, अभी क्या एकल परिवार में जाने के बाद बहुत सारे ऐसा हो गया ना कि आप जो संयुक्त परिवार का कल्चर है आप उससे दूर हो गए, तो आप पेरेंट्स और बच्चों का कन्वर्सेशन भी बहुत कम होता है। भाई दिन भर शाम को आए तो थोड़ा सा बातचीत कर लिया, और फिर बच्चों का जो आधा से ज़्यादा टाइम जो है मोबाइल में बीतता है या पेरेंट्स भी अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो वो जो जनरेशन गैप जो बढ़ती बढ़ती जा रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो, और जब तक उनके बीच में, मैं ये नहीं कहता कि उनमें भी जो है रिलीजियस कुछ बातें हो, ऐसा नहीं, आप रिलीजियस बात ना भी करो, लेकिन फिर भी अगर आपका पेरेंट्स और बच्चों का एक अच्छा कनेक्शन है पेरेंट्स और बच्चों का, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जब भी कोई ऐसी बड़ी स्टेप लेगा तो वो अपने पेरेंट्स को अवॉइड करेगा, वो सोचेगा एक बार उनसे पूछ लिया जाए या सलाह ले ली जाए कि क्या ऐसा होता है क्या। अगर उसे अपने रिलीजन पे भी ऐसा लगता है कि यार मुझे डाउट है मेरे आस्था पे, तो अपने पेरेंट्स से तो पूछ सकता है ना कि मुझे ये डाउट है क्या, ये सच है क्या, जैसे शिवजी वाली बात उसमें वो करती है, तो वो बच्चे को, कोई भी बच्चे को हो सकता है डाउट, उसको नहीं पता होगी कहानी, तो जाके अपने पेरेंट्स से पूछ सकता है ना कि ऐसा हुआ था क्या पापा, हुआ था क्या मम्मा, तो वो बताएंगे कि हाँ बेटा हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था वो। तो जो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर सदगुरु जी ने दिया है, मतलब उनकी एक स्पीच में है ये वाला कि क्यों शिवजी जो है भिलक के रोए थे, तो उनकी छोटी सी स्पीच में है, एक आध मिनट की दो मिनट की स्पीच में, कि कैसे क्यों और किस लिए, कि एक महायोगी एक महादेव जो है वो क्यों इतना वो हो गया। तो मानवीय एंगल जो हमारे यहाँ जो देवताओं में होते हैं वो होते हैं। तो एक तो ये चीज़, दूसरा जो हमारे 5 साल के बाद क्या होगा, तो आप सही बता रहा हूँ कि बहुत ही परिवर्तन मुझे देखने को मिला। एक परिचित महिला मुझे मिली, उन्होंने कहा कि दीदी थे उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा बेटा, बोले मैंने ना मेरी बेटी को, मैंने पहले देख के आई, उसके बाद मैंने ना मेरी बेटी को भेजा, बोले जा देख क्या, वो नीट की तैयारी कर रही है उनकी बेटी, तो यंग एकदम, तो उन्होंने कहा कि वो बेटी जब देख के आई तो उसने कहा कि मम्मा मैं रात भर सो नहीं पाऊँगी आज, तो उन्होंने पलट के जवाब दिया कि बेटा अब हम जिंदगी भर आराम से सो पाएंगे। तो ये जो मोमेंट चेंज आया कि माँ खुद अपने बच्चों को भेज रही है, माताएं अपने खुद बच्चों को भेज रही है कि देखो एक बार देख लो आ जाओ, तुमको समझ पड़ जाए कि समाज में किस तरह की वो चीज़ें होती है। तो ये, और ये तो चल रहा है, मतलब हम ये भी नहीं कहते कि बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। अभी शायद 2-3 दिन पहले भोपाल में कोई संगठन पे ATS ने छापा मारा और वहाँ से कुछ लोग मिले जो कि थे हिंदू, लेकिन उनको कन्वर्ट कर दिया गया था और एक्सट्रीमिज्म में डाल दिया गया था, मतलब आतंकवादी घटनाएं में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश फिराक में लग गए थे। तो और उसमें से तो ये सब चीज़ें हैं, अभी भी हो रही है कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन, या फिर क्या बोलना चाहिए आपको, मूर्ख बना के जो कन्वर्जन किया जाता है, बेहला फुसला के कन्वर्जन किया जाता है, और वो करने के बाद भी आपको कुछ एक्सट्रीम टेररिस्ट वाली एक्टिविटी उसमें आपको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ श्रद्धा अपनी जगह, हर कोई श्रद्धा से कहीं ना कहीं शीश नवाता है, हम कई अजमेर शरीफ की दरगाह है या फिर क्या बोलना चाहिए दिल्ली दरगाह है, तो वहाँ पे जाते हैं लोग, अपनी श्रद्धा से नमन करते हैं, सारे समुदाय के लोग जाते हैं, अपना आशीर्वाद लेते हैं, वो अपनी श्रद्धा आस्था अपनी जगह, लेकिन आप किसी को फोर्सली किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो करो वो गलत है। और हमारी फिल्म कहीं से कहीं तक भी किसी धर्म को आहत करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, हमने इसको बड़ा एहतियात बनाया, बनाते समय भी हमने इसको जो है स्क्रिप्ट सुपरवाइजर्स को दिखाया जो कि खुद हमने मुस्लिम कम्युनिटी से रखा था कि भाई इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको आहत करता हो, और इवन फिल्म बनने के बाद भी हमने पर्टिकुलर स्क्रीनिंग, स्पेशल स्क्रीनिंग उन लोगों के लिए रखी थी, मतलब जो इस्लामिक स्कॉलर्स वगैरह से लेके जो प्रबुद्ध जन या बुद्धिजीवी वर्ग था उन सबको बिठाया, उसमें भी एज गैप भी रखा हमने 21-22 साल के लड़के से लेके तो बुजुर्ग तक, सब लोगों ने मिल के देखी फिल्म को, और जब देखी तो हमने यही क्वेश्चन करा कि इसमें कहीं ईश निंदा तो नहीं है या कहीं से कहीं तक
जो है कोई किसी को आहत करने वाली, व्यक्तिगत आस्था को आहत करने वाली चीज़ तो नहीं है। तो सब ने एक स्वर में कहा कि नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति धर्म को आतंकवाद से रिलेट करके नहीं देखता है वो, उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर उसको अपने आप को उससे रिलेट करके देखेगा तो वो जरूर आहत होगा, और यही हुआ। इसलिए आप पब्लिकली देखोगे तो पब्लिक से कहीं से भी इसके लिए विरोध खड़ा नहीं हुआ। जो विरोध हो रहा था वो पॉलिटिकल विरोध हो रहा था। तो ये है सर, मेरा एक ही सवाल है कि एज एन वर्क, एज एन प्रोफेशन तो आज इंदौर शहर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में आपको कोई सब जानते हैं, पर एज एन पर्सनल लाइफ आपके कैसे रहा? जैसे जब ये मूवी रिलीज हुई उसके बाद में पेरेंट्स का फीडबैक कैसे रहा? अच्छा। फैमिलीज का फीडबैक आपका कैसा रहा? और इतने शहर में के साथ ही पूरे भारत देश में आपको उपलब्धि हासिल हुई तो उनका फीडबैक कैसा रहा आपका? देखिए वो तो पहले यही कहा कि सच में तुमने लिखी है क्या? विश्वास नहीं होता ना, घर की उम्र की दाल बराबर। मतलब आपको कितना भी बाहर वो मिल जाए, प्रेशर मिल जाए, वो उनके लिए हम वही हैं, घर के घर वाले हैं, तो उनको विश्वास नहीं आया सही में तुमने लिखी है क्या, ऐसा करते हो काम? मतलब यही था रिएक्शन सबसे पहले, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अच्छा मैं भी कर सकता हूँ या मैंने भी करा है। तो फैमिली का तो यही रिएक्शन होता है सबसे पहला, उनका ये था। सबने अलग अलग जाके देखी थी टाइम के हिसाब से, पर देखने के बाद सबसे पहला रिएक्शन ये था। फिर बाद में उनको जब लगा कि हाँ भाई सब जगह से वो हो रही है तो यकीन हो गया, हाँ भाई इसी ने लिखी। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि आजकल जो लोग सब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आपकी फिल्म में दर्शाया है कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आपको आपके धर्म के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। देखो मैं धर्म का, मैं फिर बोलो, धर्म से ज़्यादा संस्कृति, कल्चर बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर धर्म का अपना कल्चर अपना सेम है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, तो जो संस्कृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अभी कैसा, जैसे उस फिल्म में मैंने दिखाया कि लड़की दीपावली पे घर नहीं जा रही है, क्योंकि और अभी ऐसा कहीं होता है कुछ लड़कियां बाहर पढ़ रही होगी या जॉब कर रही होगी, घर से फ़ोन आया दीपावली पे घर आ जा रही है, मम्मी बहुत काम है मेरा, अभी अगले मंथ मेरा एग्जाम है, या मैं क्या करूँगी घर आके, मैं यहीं मना लूँगी। तो आप, इतना बड़ा त्यौहार है आप उस पर घर जाना पसंद नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि आपको कम से कम कुछ नहीं तो किसी फेस्टिवल में तो आपके पास, आपको घर पे होना चाहिए। जैसे मैंने देखता हूँ अधिकतर मेरे कुछ मुंबई के फ्रेंड्स हैं, छठ पूजा पे स्पेशली जाते हैं, वो बिहार जाते ही जाते हैं, बोले नहीं यार छठ पूजा मिस नहीं करेंगे, छठ पूजा मिस नहीं करेंगे। उनके यहाँ छठ का ज़्यादा महत्व है, दीपावली थोड़ा कम होगा, लेकिन छठ पे उसी दौरान छठ पे जाते जरूर हैं। तो ऐसे कई सारे फेस्टिवल है जो हर पर्टिकुलर समाज या जो अपने धर्म उसमें छोटे छोटे उसमें सबके अपने अपने एक वो फेस्टिवल फिक्स है, तो कम से कम आप उसी में चले जाओ, उसमें आप उससे कनेक्टेड रूटेड रहो, तो आप आपके कल्चर से रूटेड रहोगे, कल्चर से रूटेड। इवन मैंने कई ये भी कहा, जैसे हम पश्चिम मध्य प्रदेश में आते तो अपना पूरा आदिवासी बेल्ट बहुल क्षेत्र है, तो मैं उनको भी कहा कि भाई अपनी जो संस्कृति है, ट्राइब कल्चर की भी एक अपनी संस्कृति, आप उससे भी जुड़े रहो कम से कम, पर उससे आप उससे विमुख हुए थोड़े से, आप उस कल्चर से थोड़े से बाहर हुए कि सामने वाले को आपको मौका मिल जाएगा आपको वो करने का। तो वो सबसे प्रमुख चीज़ है, तो हमें हमारे कल्चर से रूटेड रहना चाहिए, इसका एक हिडन मैसेज भी था इसके अंदर। और दूसरा एक और हमने फैमिली वाला भी कनेक्शन डाला कि आप देखिए कि हम हमारे पेरेंट्स को इतनी तजव नहीं देते, लेकिन एक सीन है आखिरी में जब वो अपनी माँ से बात करती है, तो माँ उसको क्या कहती है, बेटा कैसा लग रहा है तुझे माँ बन के, कि जब तू मुझसे दूर जा रही थी मैं तड़प रही थी, आज तेरी बच्ची तो उससे दूर चली गई है और तू मुझे फ़ोन लगा रही है, तेरी बच्ची को ढूंढ रही है, तो अब पता चल रहा है माँ होना क्या होता है। तो जो एक कनेक्शन है माँ बेटी वाला कि तुझे उस समय समझ नहीं पड़ रही जब तू अपने गलत निर्णय के साथ होके जा रही है, तब तुझे वैल्यू समझ नहीं पड़ रही मेरी, कि माँ जो बोल रही सच बोल रही है, लेकिन आज जब खुद की बेटी चली गई है तो फिर उसको दर्द महसूस हो रहा है, वो गुहार लगा रही मुझे मेरी बेटी दे दो। तो ये एक कनेक्शन बहुत ज़रूरी था, माँ और बेटी का दिखाना, पेरेंट्स का दिखाना कि पेरेंट्स भी वो होते हैं। और लिटरली ये सोशल फिल्म ही थी, इसीलिए जो भी निकल के आया उन्होंने कभी कोई धर्म की बात नहीं करी, कोई उन्होंने वो ऐसी बात नहीं करी भाई हेट्रेट वाली बात नहीं करी, जो भी निकल के आया थिएटर से बाहर सबसे पहले यही कहा कि भाई हमें जो है हमारे बच्चों को एक संस्कार देना है, और अब हम कोशिश करेंगे कि वो थोड़े कल्चरल रूटेड रहे। आप विश्वास नहीं करोगे, रिपोर्ट है ऐसी कि से कोरोना से पहले कई लड़कियां जो थी वो इस तरह के रिलेशंस में बंधी हुई थी, फेक रिलेशंस में कई लड़कों के साथ, लेकिन कोरोना में जब चूंकि घर में रह गई वो एक साल घर में उनका छूट गया रहना, और वो परिवार के साथ जब वो इतना समय रही तो कितने केस जो है वो ख़त्म हो गए। नहीं तो जो कन्वर्जन वाले केस की बात बता रहा हूँ, एक एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से मिलके बैठ के बात हो रही थी मेरी कुछ दिन पहले, वो यही देखते हैं क्राइम वगैरह और अपना वुमेन ट्रैफिकिंग वाला ही सब कुछ देखते हैं अपना इंदौर जोन का। तो उन्होंने ही कहा थे बात कि बोले कोरोना की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ बच गई, अगर ये नहीं होता तो हो सकता है इसमें कितनी लड़कियाँ और जा चुकी होती,
तो वो क्यों बची? क्योंकि उन्होंने समय परिवार के साथ बिताया, कहीं नहीं जाना है, फैमिली के बीच में रहना है, तो फैमिली से जो इतने दिन का उसका कनेक्शन था जो टूटा हुआ था वो वापस जुड़ने लगा और उसकी वजह से कई फायदे हो गए। तो सूर्यपाल भाई ये बात तो सही है कि हमें अपने कल्चर से, हमें अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड रहना पड़ेगा और शायद आज हम देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के ज़माने में या बाहर बहुत लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी अभी डिसकनेक्ट होती जा रही है। तो हम लोगों की भी कोशिश यही रहती है कि हम लोग इंदौर के कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि एक इंदौर अपने आप में एक ऐसी बेहतरीन सिटी है जिसने बहुत कुछ दिया है। माँ अहिल्या की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी कल्चरल वैल्यू इंदौर ही नहीं कई जगह दी हैं, चाहे मंदिरों की स्थापना में हो, चाहे विमेन एम्पावरमेंट में हो। तो हम लोगों का ही प्रयास हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कि कल्चर जो है इंदौर का उसको लगातार वैसे ही हम लोगों के सामने लाते रहें, क्योंकि यूथ हैं तो मीडियम्स चेंज हो गए हैं, लेकिन कोशिश आज भी वही जा रही है। तो ये तो हो गई द केरला स्टोरी तक की अभी जर्नी, इसके आगे क्या है? इसके आगे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एक दो तो मेरे डायरेक्टर के साथ ही हैं, जो मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट शायद अभी बहुत जल्दी आप अनाउंस हो, वो है कि मैंने क्रांतिकारियों पे कुछ काम किया है। मेरी अगली फिल्म क्रांतिकारियों पे आ सकती है। राम प्रसाद बिस्मिल बड़े क्रांतिकारी हैं, तो मैंने 1918 से लेकर 1928 तक का जो पूरा 10 साल का घटनाक्रम है उनके जीवन का, मैनपुरी कांड से लेकर तो काकोरी कांड और काकोरी कांड के बाद उनकी शहादत, तो इसको मैंने अपनी फिल्म में कंपाइल किया है। और जितने क्रांतिकारी उन सब का योगदान मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत मुश्किल लगा क्योंकि उन किसी के बारे में ज़्यादा नहीं, इवन रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, लेकिन कोशिश करी कि मैं सारे लोगों को लेके आ सकूं और उनको जो है एक उचित स्थान सम्मान जो है मेरे उसमें दे सकूं। तो वो ये बड़ी एक अच्छी फिल्म होगी। और आपका फोकस जो है अवेयरनेस ऐसी चीज़ों पे हैं जो हम लोग भूलते जा रहे हैं उसको बड़े पर्दे पे, क्योंकि बड़े पर्दे पे जब कोई जाती है अल्टीमेट उसका ऑडियंस बहुत बड़ा हो जाता है और लोगों तक वो बहुत जल्दी पहुंचती है। तो बेस्ट विशेष है हमारी टीम इंदौर टॉक की ओर से कि सूर्यपाल भाई हमारे ऐसा ही काम करते रहे और जल्द जल्द कुछ नए बेंचमार्क क्रिएट करें ताकि हर बार हमें एक नया इंटरव्यू आपके साथ करने का मौका मिले। जी धन्यवाद।